राम रहीम के अंधे मोहरे। सिमरन करने के लिए इससे अच्छी कोई जगह हो ही नहीं। और नपुंसक लोक के डॉक्टर बेदर्द। भगवान को पाने का यही एक रास्ता है। पिताजी, ऑपरेशन सफल हो गया। बलात्कारी बाबा का खतरनाक खेल। क्या क्या तुम लोगों ने मेरे साथ? कुछ नहीं मिला। नहीं, तुम लोगों ने मुझे नपुंसक बना दिया। एक डरावना खुलासा। साध्वी बलात्कार कांड में जेल की सलाखों में कैद राम रहीम के गुनाहों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बलात्कारी बाबा पर दो लोगों की हत्या के साथ ही कई भक्तों को भी नपुंसक बनाने का आरोप है। दोनों ही मामलों की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है। राम रहीम के खिलाफ गवाह बयान दर्ज करा रहे हैं और उसके साथ ही बलात्कारी के पापों की कहानी एक बार फिर सुर्खियों में है। आप भी देखिए राम रहीम के नपुंसक लोक में अंध भक्तों को साजिश का मोहरा बनाकर कैसे बना दिया जाता था नपुंसक। आजा पुत्र, आजा। देख बेटा, मेरी बात को मान के तूने बहुत अच्छा किया है। परेशान मत हो, वो भगवान के पास जाने का यही एकला रास्ता है। मैं तेरे को आशीर्वाद तो दे सकता हूँ, लेकिन भगवान के पास डायरेक्ट एंट्री सिर्फ इसी रास्ते से आ सकती है। डायरेक्ट। घबराना। अच्छा, आजा पुत्र। घबरा मत पुत्र, मैं यही हूं, तेरे साथ हूं मैं। बस तू अपने मन में एक विश्वास रख, भगवान को पाने का यही एक रास्ता है। समझ गए? जा, आज 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 कपड़ा ले जाओ बच्चे। जी गुरुजी। ऑपरेशन सफल हो गया, सब काम ठीक ठाक हो गया, उसको होश भी आ गया। बेटा, क्या क्या तुम लोगों ने मेरे साथ? कुछ नहीं मिला। तुम लोग ने मुझे, तुम ठीक हो? नहीं, तुम लोग ने मुझे नपुंसक बना दिया। नहीं, क्यों किया मेरे साथ तुम लोगों ने ऐसा? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। क्यों किया बाबा आपने? भगवान के नाम पर नपुंसक बनाने का घिनौना खेल। राम रहीम पर यह संगीन आरोप लगाने वाले उसके ही पूर्व भक्त हैं, वो भक्त जिनकी आप बीती के खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा, धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। बहुत किस्मत वाले हो बच्चों, तुम सब लोग बहुत अच्छी जगह आए हो। सिमरन करने के लिए इससे अच्छी कोई जगह हो ही नहीं। प्रभु का नाम जपने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं। तुम सभी को
प्रभु परमेश्वर का प्यार मिले। और वैसे भी मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अब तुम सब लोग जाओ और सिमरन करो। बेटा तुम इधर आओ। जी मैं जी बैठो। बेटा बेटा मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम भक्ति बहुत ही मन से करते हो। पिताजी आपका आशीर्वाद रहे तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाए। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुआ और इसलिए आज तुम्हें एक गुरु मंत्र दूंगा। मेरा सौभाग्य है पिताजी। देखो बेटा ये रहस्य मैंने सिर्फ उन लोगों को बताया है जिनमें सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा को देखा है। तुम्हारे अंदर भी भगवान को पाने की सच्ची श्रद्धा है ना? जी पिताजी। तो फिर मैं कौन होता हूँ तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिलाने से रोकने वाला? तो आज मुझे ये राज तुम्हें बताना ही होगा। क्या मुझे सच में भगवान मिल पाएंगे पिताजी? बिल्कुल बेटा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। आप जो कहोगे मैं वही करूंगा पिताजी। फिर तो बेटा तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर तुम आदमी ना रहो तो। जी मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा भगवान को पाने के रास्ते में ये आदमी और औरत के फेर से ऊपर उठना होगा। तुमको अपना लिंग कटवाना होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने पिताजी पर भरोसा तो है ना? जी 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 पिताजी। मैं जानता हूँ बेटा तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो और इसीलिए ये राज मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिसके लिए सच्ची श्रद्धा की जरूरत है। और सच्ची श्रद्धा वाला आदमी भटकता नहीं है और भगवान को पाने के लिए इस आदमी और औरत के फर्क से निकलना होगा। और बेटा तुम भी ये फर्क मिटा दो। जाओ बेटा। बलात्कारी बाबा राम रहीम पर आरोप है कि उसने एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों भक्तों से उनकी पहचान छीन ली। लेकिन यह घिनौना खेल डेरे के अंदर कैसे चलता था? आखिर कैसे सैकड़ों भक्तों को नपुंसक बना दिया गया? कहानी बेहद दर्दनाक है। देखो पुत्र, ये है हमारा शानदार अस्पताल। इसे हमने खुद अपने डेरे के प्रेमियों के लिए बनवाया है। इसमें सारी बड़ी बड़ी टेक्निक्स, सारे इक्विपमेंट्स हैं और वो भी लेटेस्ट। और यहाँ पे बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। तुम भी तो भगवान से मिलना चाहते हो। जी पिताजी। तो उसका रास्ता यहीं से तो शुरू होता है, हैं? डॉक्टर साहब बताओ ना इसको। जी पिताजी। पुत्र यहाँ पे आपकी बहुत ही सुरक्षित तरीके से सर्जरी की जाएगी, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप जिस रास्ते पर जाना चाहते हो ना, हम उसी रास्ते पर लेके जा रहे हैं आपको। आपका बस छोटा सा एक ऑपरेशन होना, छोटी सी सर्जरी होना। ठीक है? डर मत पुत्र, डर मत। वो जो तू कदम उठाया है ना, ये हर एक के बस का नहीं है। वो ये कदम तो सिर्फ बहादुर और सच्चे भक्त ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। पुत्र तूने देखा होगा ना, डेरे में कुछ लोग हमारे बहुत करीब हैं, हमारे सच्चे भक्त हैं। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे कहने पर अपनी मर्दानगी को कुर्बान कर दिया। इसीलिए वो हमारे खास हैं, बहुत खास, हमारे सच्चे भक्त हैं। और पुत्र मेरे को पता है तू भी मेरा सच्चा भक्त है, तो फिर कौन रोक सकता है तेरे को भगवान से मिलने से, हैं? इसीलिए हम खुद आए हैं तुझे अपने डेरे के अस्पताल पर लेके। तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, हैं? डॉक्टर साहब ये मेरा खास बच्चा है,
हैं, इसका ध्यान रखना है बहुत। पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करो, आ जाओ। तन तन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। किसी को बहला फुसला कर तो किसी को जोर जबरदस्ती से। राम रहीम पर आरोप है कि उसने इसी तरह डेरा सच्चा सौदा में अपने कई भक्तों को नपुंसक बना दिया और इस घिनौने खेल में उसका साथ दे रहे थे दो डॉक्टर। जी पिताजी, साधुओं के हॉस्टल के बाहर ड्यूटी करने के लिए कुछ लोग कम पड़ रहे हैं, क्या करना होगा? उसके बारे में तो हम सोच ही रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा एक काम है जिसको पहले पूरा करना जरूरी है। सुनो मेरी बात को, हमें डेरे के लिए और जमीन की जरूरत होगी। जितनी ज्यादा जमीन उतने ज्यादा भक्त। डेरे के लिए और जमीन खरीदनी होगी। लेकिन पिताजी, डेरे के नाम पर और जमीन नहीं खरीद सकते, बाद में दिक्कत हो सकती है। ये तो मैं जानता हूं, लेकिन कोई और खरीद कर हमें दे दे तो। पिताजी, जितने भी आपके भक्त थे लगभग सब ने आपको जमीन दे दी, मुझे नहीं लगता आप कोई जमीन दे पाएगा। बहुत भोले हो तुम। अगर जमीन को हम खरीदें और उनके नाम करा दें, यानी कि पैसा हमारा और नाम उनका। लेकिन पिताजी, ऐसा करने के लिए मानेगा कौन? मानेगा कोई भी मान जाएगा, हमारे अंध भक्त, उनको हम जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे वो करने को तैयार है। लेकिन पिताजी, जमीन अगर उनके नाम से होगी और कभी अगर वो डेरा छोड़ते हैं तो कानूनन जमीन तो उनकी होगी। दूर की सोचो, दूर की। हम पहले ही कोरे कागजों पर उनसे हस्ताक्षर करवा कर रख लेंगे और आने वाले वक्त में उनसे वो जमीने अपने डेरे को तोहफे में दिलवा देंगे, यानी कि डेरे की जमीन वापस डेरे में। क्या दूर की कौड़ी सोची है आपने। लेकिन पिताजी, एक बात है, अगर कल को इनमें से किसी ने हम पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने पर या धोखाधड़ी का हम पर अगर आरोप लगाया तब क्या करेंगे पिताजी? आरोप लगाया? लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, कुछ भी हो सकता है। आज जो हमारे भक्त हैं वो सच्चे भक्त हैं, पर क्या जरूरी है उनके आने वाले बच्चे भी हमारे सच्चे भक्त होंगे? तो हो सकता है कल वो आए और अपना मालकाना हक के लिए हमसे लड़े। तो फिर पिताजी? फिर बच्चे उसके होंगे ना जो मर्द होगा ना। मर्द के कभी बच्चे होते ना? बच्चे होंगे ना वारिश होगा और ना ही कोई जमीन जायदाद का झगड़ा करने के लिए आएगा। ढूंढो उन लड़कों को, लाओ जो अभी अभी जवान हुए हैं या जवान होने वाले हैं। नपुंसक बना दो, नपुंसक। क्या समझे थे? शाबाशी देगा? राम रहीम के अंधे मोहरे। सिमरन करने के लिए इससे अच्छी कोई जगह हो ही नहीं। और नपुंसक लोक के डॉक्टर बेदर्द। भगवान को पाने का यही एक रास्ता है। पिताजी, ऑपरेशन सफल हो गया। बलात्कारी बाबा का खतरनाक खेल। साजिश की यह कहानी किसी को भी चौंका सकती है। तो क्या करोड़ों की जमीन और जायदाद के लिए ही बलात्कारी बाबा यह पाप कर रहा था? आरोप है कि राम रहीम के इस घिनौने खेल के पीछे साजिश की एक दो नहीं बल्कि कई खौफनाक कहानियां हैं। आज आप सबको मैंने खास काम से बुलाया है। अब से
डेरे के खास सदस्य बन चुके हैं। पिताजी हम सब आपकी सेवा करना चाहते हैं। सच्चे भक्त को तो सेवा करने का मौका मिलना ही चाहिए। सुनो, इनकी ड्यूटी साध्वियों के हॉस्टल के बाहर लगा दो और इनकी ड्यूटी गुफा के गेट पर, जिसका रास्ता साध्वियों के हॉस्टल की तरफ जाता है, वहां पर लगा दो। ठीक है बच्चों, खुश? जी पिताजी। लेकिन बच्चों, ये तो तुम जानते ही हो कि सेवा के मार्ग में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। क्या तुम लोग इन कुर्बानियों को देने के लिए तैयार हो? जी पिताजी, जैसा आप कहोगे हम वैसे ही करेंगे। बहुत अच्छे बेटा, आप इनके साथ जाओ, ये आपको डेरे के बड़े अस्पताल में लेकर जाएंगे और वहां जाकर अपने लड़के होने, आदमी होने की कुर्बानी दे दो और उसके बाद तुम डेरे के प्रेमी बन जाओगे। सब लोग तुमको साधु कहकर बुलाएंगे और तुम लोग डेरे के सप्त ब्रह्मचारी सेवादार हो जाओगे। सिर्फ अपनी मर्दानगी की कुर्बानी दो और भक्त कहलाओ। धन सद्गुरु तेरा ही आश्रम। बच्चों, अब तुम लोग इनके साथ जाओ, इन्हें ले जाओ। आप भी जाइए बेटा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा है बेटा? भक्त होने का मेरा मर्द होने से क्या वास्ता? वास्ता है बेटा। बेटा इधर आओ, हम तुमको समझाएंगे। नहीं, तुम ढोंगी हो। दरअसल तुम ना मासूम लड़कों को गुमराह करके उनकी जिंदगी तबाह कर दो। मैं ना डेरा के बाहर जाकर सबको सब कुछ बता दूंगा। तुम देखना ना ढोंगी। करना क्या है? जो बाकी का करना वो इसका करना है। अगर अपनी इच्छा से मानता है तो ठीक है, वरना जबरदस्ती उसको गोली देकर बेहोश कर दो, नामर्द बना दो। नामर्द तो इन सबको बनना ही है ना? क्यों? इस डेरे की साध्वियों पे सिर्फ मेरा हक है। अगर इनमें से कोई भी वहां ड्यूटी देते हुए गुफा के बाहर या हॉस्टल के बाहर किसी साध्वी के साथ प्यार में टक्का कर लिया, तो अगर किसी ने भी आती जाती मेरी खूबसूरत साध्वी को ऊपर डोरे डाल दिए, तो जवान खून है भाई। अगर कोई भी मेरी साध्वियों के साथ इश्क में पड़ गया तो नहीं, मैं अपनी साध्वियों के साथ किसी को भी नहीं देख सकता। मेरी साध्वियां सिर्फ मेरी हैं, उन पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। सबको लड़के से आदमी होने से पहले पहले नामर्द बना दो, फिर से ये कभी किसी लड़की की तरफ उठाकर भी नहीं देखेंगे। जाओ, सबको नामर्द बना दो। नामर्द जी, मेरे सब होंगे नामर्द। आरोपों के मुताबिक बलात्कारी बाबा राम रहीम अपने नपुंसक लोक की खौफनाक कहानी को हमेशा पर्दे में ही रखना चाहता था, लेकिन वो जैसा चाहता था वैसा हो ना सका। साल 2012 में राम रहीम के खिलाफ उसके ही एक पूर्व भक्त हंस राज ने नपुंसक बनाने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई की तहकीकात में पता चला कि ज्यादातर लड़कों को नपुंसक साल 1999 से लेकर 2000 के बीच बनाया गया था। सीबीआई की तहकीकात में इस बात का खुलासा हुआ कि किसी को उसकी मर्जी से तो किसी को जबरदस्ती नामर्द बनाया गया। इस मामले में 4 गवाह भी सामने आए जिन्होंने इस आरोप को सही बताया। गवाहों का कहना था कि वो भी नपुंसक बनने के इस दर्द से गुजर चुके हैं। राम रहीम ने उनको भी नपुंसक बना दिया था। इसके अलावा इन गवाहों ने यह भी बताया कि डेरा सच्चा सौदा में उस दौर में सैकड़ों लड़कों को राम रहीम के इशारे पर डॉक्टर पंकज गर्ग और डॉक्टर महेंद्र सिंह ने ऑपरेशन के जरिए नपुंसक बनाया। सीबीआई की जांच में 6 ऐसे पीड़ित भी मिले जिनके मेडिकल एग्जामिनेशन से ये साबित हुआ कि सर्जरी के जरिए उन्हें नपुंसक बनाया गया।
साध्वी बलात्कार कांड में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम पर भक्तों को नपुंसक बनाने के आरोपों का सच आखिर क्या है, इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी। और जब तक इस केस में कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, हमारी नजर भी इस मामले पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।